डबल चिन से हैं परेशान, जो लाइन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या आपका ये चिन के नीचे फैट इकट्ठा हो गया है, उसके लिए आज मैं 5 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। इन 5ों एक्सरसाइज को यदि आप नियमित रूप से कर लेते हो तो इस समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। मैं सोहित योगी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी का। आपसे निवेदन है इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यदि आप इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सीधे बैठ करके आपको प्लैटिज्मा मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इस मसल्स की वजह से ही, इसकी इनएक्टिवनेस की वजह से ही ये समस्या पैदा होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ऐसे उठा लेना है, ऊपर उठा करके पाउट आपको बनाना है, इसको गोरिल्ला पोज भी कहते हैं। ऐसे करके पूरा ऊपर उठाकर तो इसको आपको ऊपर करके 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर से सांस ऐसे ही भरें। ये पूरा आपको स्ट्रेच करना है, पाउट बनाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार और 5 से 10 सेकंड होल्ड करके दोनों समय करना है, सुबह और शाम। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपनी जो कॉलर बोन्स हैं और ये आपकी जो कॉलर मसल्स हैं, आपकी जो प्लैटिज्मा मसल्स हैं, इनको एक्टिव करना है, इनको खींचना है। पूरा देखो कैसे करना है, इसको थोड़ा सा मुंह इसमें आकृति बिगड़ जाती है, देखो ये इस तरह से आप इनको मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। इसको भी आपको 10 से 15 बार तक करना है, सुबह और शाम। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, पूरा ऊपर उठाइए और अपने जबड़े को चलाना है। इसको आप 40 से 50 बार तक भी चला सकते हो। इस तरह से इसको भी आपको दोनों समय करना है। ये आपकी जो यहाँ फैट आ गया है या स्वेलिंग भी हो गई है या आपको किसी भी तरीके की यहाँ दिक्कत हो रही है, तो आपकी ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सेल्फी ठीक से नहीं ले पाते, फोटो ठीक से नहीं आ पाते, तो उसके लिए ये तीसरा एक्सरसाइज हमने की है। इसके बाद आपको गर्दन को ऊपर करके फिर नीचे और ऐसे साइड में गर्दन को ले जाएं और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। लेफ्ट साइड जाएंगे तो राइट साइड एक्टिवेट होंगी और जब राइट साइड में आप जाओगे तो लेफ्ट साइड की मसल्स आपकी एक्टिवेट होंगी। ये देखिए पूरा स्ट्रेच पड़ेगा इस तरह से। इसको भी आपको 5 बार इधर और 5 बार इधर करना है, सुबह शाम। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ लोग च्युइंगम चबाते हैं, उसकी जगह मैं चिंगम के लिए तो आपको नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे गाय जुगाली करती है, भैंस जुगाली करती है, मुंह को चलाती है ऐसे, या आप कोई सूखी चीज अपने मुंह में रख लें, चने आप चबाएं, चने सूखे होते हैं, उनको उन सलाइवा आने में टाइम लगता है तो बहुत चबाना पड़ता है, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसे मुंह बंद करके भी चला सकते हो, मुंह खोल करके भी चला सकते हो। इन एक्सरसाइज को, 5ों एक्सरसाइज को यदि आप सुबह शाम कर लेते हो तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। इसके साथ में आपको हल्दी वाली चाय का सेवन करना है, हल्दी का पानी आपको पीना है, फास्ट फूड जंक फूड से आपको बचना है। शाम को 5 बजे के बाद आपको जंक फूड और फास्ट फूड ऑयली आपको नहीं खाना है। तो इसी तरीके की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।